नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में नौगांव नगर का 180वां स्थापना दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। गौरतलब है कि इसके लिए पूर्व से तैयारियां चल रही थी, हालांकि कोविड को देखते हुए बाकी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसके लिए एक साइकिल यात्रा निकाली गई जिसमें कोविड की जागरूकता को भी प्रदर्शित किया और लोगों को जागरूक किया गया। 180वें स्थापना दिवस पर खास बात यह रही कि इस मौके पर 180 साइकिलों को लेकर साइक्लोथन का आयोजन किया गया, जो कि आमजन में फिट इंडिया हिट इंडिया का उद्देश्य लेकर और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का संदेश प्रसार करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। साइकिल रैली का समापन नगरपालिका टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान के साथ नगर के जन्म दिवस पर केक काटकर किया गया। नगर ने 180 वर्ष पूरे कर लिए, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। पूर्व में चूंकि यहाँ पे डांसिंग प्रोग्राम और भी चीजों को इंक्लूड करना था, लेकिन ओमिक्रॉन और तीसरी वेब को देखते हुए ये नौगांव स्थापना दिवस समिति ने कार्यक्रम को साइक्लोथॉन के माध्यम से जो कोविड जागरूकता रैली के ऊपर करने का फैसला किया था, जो आने वाले वर्षों में भी किया जाएगा। सभी लोग यहां अपने अपने दिवस में इसका आयोजन किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें काफ़ी व्यापक कार्यक्रम थे। इसके पहले एक हम लोग डांस नौगांव डांस का भी आयोजन कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण और सरकारी गाइडलाइन से अनुमति न मिलने के कारण फिर हम लोगों ने 180 साइकिलों की एक साइक्लोथॉन रैली निकाली, जिसमें हमने ये संदेश दिया है कि कैसे हम नौगांव को हरा भरा, स्वच्छ और तीसरी महामारी की लहर से बचाने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, संदेश के साथ 180 साइकिल की एक रैली निकाली गई।